नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे वासुदे कृष्णा आप सभी को दंडवत प्रणाम श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का स्वागत है हम सभी यहाँ पर आज 221वें सत्र में अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा रचित सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से वेद व्यास जी की रचना श्रीमद भागवतम पुराण जिसे अमल पुराण कहा गया है उसके अठारह हजार श्लोकों का यहाँ श्रवण और पठन कर रहे हैं बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए हम सभी इस समय स्कंद एक स्कंद चार के अध्याय चार के दूसरे भाग में आज विषय को श्लोक संख्या पंद्रह से आगे श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे अध्याय चार जिसका नाम है सती द्वारा शरीर त्याग तो सती का शरीर त्याग की कथा श्रावण के इस पवित्र महीने में यहाँ पर श्रवण करने का ध्येय जीवन में स्पष्ट रहना चाहिए कि जीवन में यदि भक्ति नहीं है भगवान जीवन के केंद्र के मूल में नहीं है तो यह जीवन प्रथा है माता सती अपने व्यवहार से इसे चरितार्थ कर रही है श्लोक संख्या एक से लेकर पांच तक हमने सती का शिव को छोड़कर जाना माता सती यहाँ पर शिव द्वारा महादेव द्वारा उनको स्पष्ट चेतावनी देने के पश्चात भी पिता के घर के मोह में संबंधियों परिजनों माताओं बहनों से मिलने के लिए और शिल प्रोपात तात्पर्य में कहते हैं उससे भी बढ़कर शिव का स्थान उस यज्ञ मंडप में समझने के लिए माता सती शिव की आज्ञा की अवज्ञा करके भी चली जाती है भगवान शिव माता पार्वती को जाते हुए देखकर अपने अनुचरों को उनके संग लगा देते हैं और जिसमें माता सती का राजसी भव्य यात्रा के समान सम्मान करते हुए सम्मान पूर्वक उनको दक्ष के घर पहुंचाते हैं भगवान शिव के अनुचर। श्लोक संख्या छह से लेकर दस तक दक्ष के यहाँ सती का निरसुक, सत्कार, दक्ष के भय से समस्त लोगों ने अश्रुपूरित नेत्रों और स्मित मुस्कान के साथ अत्यंत ही प्रेममय माताओं और बहनों के मुखमंडल को देखती हुई माता सती समझ गई थी कि इन सब सत्कार का यहाँ कोई अर्थ नहीं है क्योंकि पिता दक्ष जिनकी वो प्रिय पुत्री थी उनके नेत्रों में उनकी भाव भंगिमा में उन्हें किसी भी प्रकार का उत्साह किसी भी प्रकार का स्नेह नहीं दिखा श्लोक संख्या 11 से लेकर 23 तक माता सती द्वारा दक्ष की भर्त्सना की गई है माता सती दक्ष कौन की स्थिति का आभास बताती हैं और महादेव के साथ वैर करने की द्वेष करने की ईर्ष्या रखने की उनकी वृत्ति को समस्त देवताओं जन, ऋषि और अनेकों प्रकार के जो सम्माननीय गण उपस्थित थे, थे उनके सामने व्यक्त करती है तो ये श्लोक संख्या पंद्रह से आरंभ करेंगे हम श्लोक संख्या तेईस तक ये सूची है जहां माता सती द्वारा भर्सना की जा रही है पर विचारणीय तथ्य यहाँ पर यह है कि माता सती अपने व्यवहार से परीक्षित रूप परिलक्षित रूप में तो हमें ऐसा दिख रहा है कि माता सती ने शिव की बात नहीं मानी है पर विचार करके देखना है तो आरंभ करेंगे आज का सत्र मंगलाचरण के पश्चात जिनके पास पुस्तक है उन सभी से मेरा अनुरोध है पुस्तकों का प्रयोग करेंगे अन्य सभी की सुविधा के लिए हम लोग यहाँ स्क्रीन पर श्लोकों को एक एक श्लोक उसका अनुवाद और सुंदर तात्पर्यपूर्ण व्याख्या के साथ हम लोग इस विषय को समझेंगे तो आरंभ करेंगे हम लोग मंगलाचरण से नारायण नम नमस्कृत नरम चरोतम देवी सरस्वती व्यास ततो जय उदीरिए श्रणवतां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन यद्यंत स्तोय भद्राणी विदुनोती सुयस्यतां नष्टे प्रायेश्व भद्रेशु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नष्टिकी ओम ज्ञानते मिरांदस्य ज्ञानंजन शलाक्या चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि कौर भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा तो पुनः आप सभी को प्रणाम आरंभ करते हैं दो सौ सत्र 221st सेशन श्रीमद् भागवतम का जिसमें स्कंद चार अध्याय चार के दूसरे भाग में आज हम सभी श्लोक संख्या पंद्रह पर हमने पिछला सत्र समाप्त किया था तो लगभग वहीं से हम इस विषय को आगे श्रवण करेंगे मेरा अनुरोध है सभी से कि जिनके भी पास पुस्तकें है, हैं सुंदर तात्पर्य है आप उसको स्वयं का समय देते हुए भी पढ़ सकते हैं इन सत्रों के पश्चात क्योंकि शिल प्रोपात ने विस्तार पूर्वक इनको प्रस्तुत किया इस विषय को श्लोक संख्या पंद्रह में माता सती ने कहा आप उन शिव से द्रोह कर रहे हैं जो तीनों लोगों के समस्त प्राणियों के मित्र हैं वे सामान्य पुरुषों की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं और ब्रह्मानंद की खोज करने वाले उन महापुरुषों को भी आशीर्वाद देते हैं जो उनके चरण कमलों के ध्यान में लीन रहते हैं यत्पाद पद्मम महताम मनोलिभि निर्शेवितं ब्रह्मरसा सवार्थिभि लोकस्य यद्वर्षति चाशिशोर्थिन तस्मे भवान् द्रुयति विश्वबन्धवे तो माता सती ने कहा कि भगवान शिव जो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का श्री कृष्ण का विष्णु तत्व शिव तत्व शक्ति तत्व और जीव तत्व इन चार विस्तारों में एक विस्तार है क्यों क्योंकि जिस प्रकार कुछ ऐसे बीमारियां होती हैं जिनके में दूध विष हो जाता है और दही छाछ मठा हमारे लिए लाभदायक होता है आयुर्वेद की दृष्टि से उसी प्रकार से इन चौरासी लाख योनियों में कुछ प्राणी कुछ योनिया ऐसी हैं जो अपनी स... भौतिक क्या संसर्ग इतना प्रभावशाली हो चुका होता है जिनके जीवन में कि वो विष्णु की सीधे उपासना नहीं कर सकती तो भगवान शिव वो है जो कि ब्रह्मानंद जो ज्ञान प्राप्त किए हुए हैं दिव्य आनंद की खोज में है उनको भी आशीर्वाद देते हैं और जो निम्न से सामान्य के बीच के योनियों वाले प्राणी आते हैं या इस जगत के मनुष्य में भी आते हैं उनको वो मार्ग प्रशस्त करते हैं तो च, उनके चरण कमलों के ध्यान में लीन रहते हैं तो यहाँ माता सती ने दक्ष की भर्सना करते हुए शिव की स्तुति करते हुए इस प्रकार से अपने उद्धरण प्रस्तुत किए श्लोक संख्या सोलह में कि ब्रह्मादयस्तमवकीर्यजटा स्मशानी तन्माल्यभस्मनृक्पाल्य वसत्पिशाचे ये मूर्धभिर्दधति तच्चरिणावश्रिष्टम् माता सती कहती है क्या आप यह सोचते हैं कि आपसे भी बढ़कर सम्माननीय व्यक्ति जैसे ब्रह्म भगवान ब्रह्मा इस शिव नाम के विख्यात अमंगल व्यक्ति को नहीं जानते वे शमशान में असुरों के साथ रहते हैं उनकी जटाएं शरीर के ऊपर बिखरी रहती हैं वे नर्मुंडों की माला धारण करते हैं और शमशान की राख शरीर में लपेटे रहते हैं किंतु इन अशुभ गुणों के होते हुए भी ब्रह्मा जैसे महापुरुष उनके चरणों पर चढ़ाए गए फूलों को आदर पूर्वक अपने मस्तकों पर धारण करके उनका सम्मान करते हैं तो हमने देखा होगा जब भी जगत में कोई विपत्ति की हमने कथा सुनी है या विजुअल्स में सामने से देखी है रामानंद सागर और बी आर चोपड़ा जैसे हमारे जो निर्माता हुए हैं जिन्होंने जिस प्रकार से कथाएं बनाई हैं Uh, उसमें भी कम से कम हमने ये देखा जब भी जगत में कोई विपत्ति आएगी तो सबसे पहले मनुष्य देवताओं की तरफ सा, साधारण ऐसा दिखाता है कि दौड़ते हैं हैं हे हरी, हे हरी कहते पर उनको हरी और देवता का अंतर नहीं स्पष्ट है फिर ये दिखाता है कि अगर देवताओं पर संकट आया है तो वो सभी ब्रह्मा के पास जाते हैं फिर ये दिखाता है कि ब्रह्मा देवताओं समेत शिव के पास जाते हैं और फिर ये दिखाता है कि ये सब मिलकर क्षीर सागर पर भगवान विष्णु के समक्ष जाते हैं तो यहाँ पर माता सती उसको उद्धरण करते हुए कहती है आपको क्या लगता है जिन ब्रह्मा की अध्यक्षता में आपने पिछला यज्ञ किया जहां आपने शिव का निरादर किया उसके पश्चात आप यहां पर भी ब्रह्मा को कर रहे हैं और शिव को नहीं कर रहे हैं आपको पता भी है कि ये ब्रह्मा जिस शिव को आप अनेक, अनेक दोषों से विभूषित कर चुके हैं और जिन ब्रह्मा के आप अपने को मानस पुत्र कह रहे हैं वो ब्रह्मा उन अमंगलकारी शिव जो आपकी नजर में है और शुभ कारक ब्रह्मा वो उन अमंगलकारी जो आपकी नजर के ब्रह्मा आ, शिव हैं, उनके चरणों पर चढ़ाए गए फूलों को आदर पूर्वक अपने मस्तक पर धारण करके उनका सम्मान करते हैं तो वास्तव तो में माता सती कहना चाहती हैं कि शिव की भर्सना करना निरर्थक है और ऐसा स्वयं शिल प्रभुपात लिखते हैं ऐसा स्वयं उनकी पत्नी सती द्वारा कहा जा रहा है जिससे उनकी श्रेष्ठता सिद्ध हो सके सामान्यतः हमारे आचार्य हास में कहते हैं और हम सबका लगभग लगभग अनुभव है कि बहुत कम अवसर ऐसे होते होंगे जब स्त्री बिना किसी प्रकार के पुरुषों में अपने अपने पतियों में किसी प्रकार की कमी ना निकाले किसी भी प्रकार की सामान्य अवसरों में सामान्य स्थितियों में क्योंकि पति और पत्नी के संबंध में शास्त्र कहते हैं कि इतनी निकटता होती है कि दोनों एक दूसरे के सभी प्रकार के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही गुणों से भली परिचित होते हैं तो उसमें शिल प्रभुपात का यहाँ पर कहना है कि ऐसा शिव जैसे महापुरुष की पत्नी सती द्वारा कहा जा रहा है जिससे उनकी श्रेष्ठता स्वतः स्थापित हो रही है कहने का अभिप्राय यह है कि उनका बाह्य रूप उनका बाह्य संग असुरों का संग भूत प्रेत गणों का संग या राख लपेटे हुए या उनका बाहरी स्थान पूरे विश्व को भ्रमित कर दे तो चिंता की बात अपनी जगह है पर यदि उनकी पत्नी इसको उनकी श्रेष्ठता के रूप में स्थापित कर रही है तो किसी भी प्रकार से उनकी भर्स ना करना निरर्थक है और आचार्यों ने तो इसका बहुत ही अच्छा तात्विक सुंदर अर्थ भी बताया है अमंगलकारी तत्वों से अमंगलकारी स्थान से अमंगलकारी विभूतियों से अपने आप को आसपास मंडित करके रखने वाले शिव वास्तव में इस बात का संदेश देते हैं कि ये कलयुग तो वैसे भी युग भौतिक जगत तो वैसे भी अनेकों प्रकार के अनर्थों का कारक है तो इनको भी स्वीकार करने का सामर्थ्य है शिव शिव में तो ये शिव तत्व विस्तार भगवान का इसी रूप में है जहां पर वो सभी प्रकार के जीवों के दोषों को स्वीकार करते हुए उनको भगवत भक्ति के पथ पर आगे बढ़ा सके जैसे शिव सदैव समाधि में लगे हुए ध्यान मग्न होकर पुरुषोत्तम भगवान की आराधना कर रहे होते हैं उसी प्रकार वो समस्त जीवों को जो उनकी शरण में आते हैं हैं वो कर देते हैं भक्ति मार्ग पर तो यदि यदि वो वास्तव में अशुभ प्रतीत होते माता सती कहती हैं तो फिर ब्रह्मा जैसे महापुरुष उनके चरण कमलों की धूल को अपने मस्तक पर कैसे धारण करते कैसे उनका सम्मान करते उसके पश्चात ये सुंदर बहुत बड़ा तात्पर्य है यहां पर वैसे तो तीन से पेज का शिला प्रोपात ने लिखा है तो यदि आप लोगों को उचित लगे तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं स्वयं इसी बात को विस्तार पूर्वक शिल प्रभुपात कहते हैं कि जब शिव के पद को ब्रह्मा मान रहे हैं तो सती के पिता दक्ष को भी मानना चाहिए क्योंकि ब्रह्मा दक्ष के पिता हैं तो सती के कथन का यही तात्पर्य है और यहाँ जहां मैंने कहा था आपसे शिल्य प्रभुपात ने इसी तात्पर्य में स्पष्ट लिखा है कि वे वास्तव में अपने पिता के घर उत्सव में सम्मिलित होने नहीं आई थी यद्यपि आने के ऊपर उन्होंने अपने पति से यही तर्क दिया था कि वे अपनी बहनों माताओं संबंधियों परिजनों से मिलना चाहती हैं लेकिन अंतह करण में उन्होंने यह भाव दृढ़ कर रखा था कि वे अपने पिता दक्ष को आश्वस्त करेंगी कि शिव से विरोध करना वृथा है यही उनका मुख्य उद्देश्य था लेकिन ऐसा लग रहा था कि सती इसमें सफल नहीं हो रही है क्योंकि दक्ष की तरफ से उन्हें किसी भी प्रकार की सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी तत्पश्चात श्लोक संख्या सत्रह में कर्णोपिधाय निर्यादकल्पईशे धर्मा धर्मावितर्य श्रेणीभिर्निभिरस्य माने छिन्द्यात् प्रहस्प्रसहय रुशतीम सतीं प्रभुश्चे जिह्वाम सून पीततो धर्म सती ने आगे कहा यदि कोई किसी निरंकुश व्यक्ति को धर्म के स्वामी तथा नियंत्रक की निंदा करते सुने और यदि वह उसे दंड देने में समर्थ नहीं है तो उसे चाहिए कि वह बलपूर्वक निंदक की जीव काट का वध कर दे तत्पश्चात वह अपने भी प्राण त्याग दे तो हम मैंने एक हम लोगों ने सत्र में इसकी चर्चा की थी कि ये शास्त्रिक प्रमाण है भगवत निंदा सुनने का कोई औचित्य ही नहीं है या तो यथा संभव विरोध करें अन्यथा वहां से आंख मुन कर निकल जाएं यदि आपको पता है कि आप दंड देने में समर्थ नहीं है धर्म के स्वामी और नियंत्रक की निंदा सुनना ये महापाप है और महापाप किसी कर्मकांड के स्थान से नहीं हमारे नाम जबकि दस अपराधों में भी ये आता है भगवत गीता अध्याय अठारह में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिनकी हरिनाम सुनने में रुचि नहीं है उनको नहीं सुनाना चाहिए तो निरंकुश व्यक्ति यदि धर्म के स्वामी और नियंत्रक की निंदा करे सती कहती है तो शास्त्र का कहना है कि या तो बलपूर्वक निंदक की जीव काट लें और अपराधी का वध कर दे और क्योंकि आपने वध कर दिया तत्पश्चात अपने प्राण त्याग वो स्थान अधिकार यदि नहीं है तो अपने प्राण त्यागने की बात है अन्यथा जो गुण कर्म और स्वभाव से क्षत्रिय कहे गए हैं उनका वास्तव में यही कार्य होता था जो स्वाध्याय में रथ थे समाज को दिशा देते थे प्रशासक का मार्गदर्शन करते थे उन वो ब्राह्मण कहे गए और उनसे ज्ञान प्राप्त करके जो गुण कर्म और स्वभाव में वीर रस के अधिक उपासक थे वो क्षत्रिय कहे गए हैं और उनकी रक्षा इसी प्रकार धर्म की स्थापना के लिए करनी थी वैश्य सभी के लिए साधन उपलब्ध कराते थे और शुद्ध स्वभाव से जो सेवा में अपने आप को निमग्न रखते हैं तो सती ने जो तर्क दिया है कि जो मनुष्य किसी पुरुष की वास्तव में महान पुरुष की निंदा कर रहा है वो क्या है अधम है लिखते हैं। और उसी तर्क से दक्ष ये कह सकते थे कि प्रजापति के कारण उनका पद भी इतना सम्माननीय है कि सती निंदा करने की बजाय उनके गुणों को स्वीकार करें लेकिन वास्तव में सती कह रही थी कि मेरा बस चले तो मैं दक्ष की जीवा काट लू पर शारीरिक संबंध में वो मेरे पिता हैं उन्होंने शिव की है। शिव की की निंदा है धर्म के रक्षक हैं जो कोई उनका उनकी निंदा में कर रहा है या उनकी निंदा में भाग ले रहा है वो वास्तव में वध्य है उसको मार देना चाहिए ये विधान है लेकिन दक्ष सती का पिता था तो सती ने कहा कि आपके प्राण लेने से ज्यादा उचित ये है मूक बनकर यहाँ से तो मैं नहीं जा सकती लेकिन आपके प्राण लेने से उचित ये होगा कि मैं अपने प्राण त्याग दू तो माता सती यहाँ पर वो वो शास्त्र के समस्त उदाहरणों को अपने जीवन में विचार पूर्वक स्थापित करने के पश्चात उस निर्णय पर पहुंच रही हैं जहां वो कह रही हैं कि मेरे मेरे प्राण त्याग देना श्रेयस्कर है क्योंकि केवल दक्ष के प्राण लेने के पश्चात भी मुझे प्राण त्यागने होंगे और पिता और पुत्री के संबंध में ये सामाजिक शिष्टाचार सही नहीं है पन्न मिदम कलेवर न धारही शेषि कंठ गर्ण जगदस्ोहाुगुप्सी अतः मैं इस अयोग्य शरीर को जिसे मैंने आपसे प्राप्त किया है और अधिक काल तक धारण नहीं करूंगी क्योंकि आज आपने शिव जी की निंदा की है यदि कोई विशेला भोजन कर दे तो सर्वोत्तम उपचार यही है कि उसे वमन कर दिया जाए तो वमन आ, करने का यहाँ पर जो उपमा विशाल भोजन के रूप में माता सती द्वारा दिया जा रहा है वो ये कह रही है कि वास्तव में मे, मे, मुझे ये जो शरीर प्राप्त हुआ है इस आ, भौतिक जगत के संवर्धन विकास के लिए जो आपने ये शरीर मुझे अपने इसमें ब्रह्मा जी के आदेश पूर्वक पुत्र वंशावली बढ़ाने के क्रम में ये मुझे आपसे प्राप्त हुआ है तो आप अगर मैं ये शरीर धारण करती हूँ तो मैं कितना भी आपका वध कर दूं तो भी मैं दक्ष पुत्री ही कहलाऊंगी तो मेरे लिए उचित ये होगा कि जैसे विशैला ये जीवन अभी विषमय हो गया है और जैसे विशैला भोजन करने से उसके प्रभाव से बचने का सर्वोत्तम मार्ग यही है कि आप वमन कर दें, उल्टी कर दें तो उसी प्रकार ये शरीर नहीं रहेगा मैं नहीं रहूंगी तो आप भले सती के पिता के रूप में जाने जाए लेकिन मेरा जो प्रायश्चित है वो अपने आप में पूर्ण हो जाएगा तो माता सती यहां पर आ, ये बहुत ही करुणामय प्रसंग होता है लेकिन यहाँ पर शिल प्रोपात इसकी जो तत्वपूर्ण स्थिति है उसको ज्यादा स्पष्ट करना चाहते हैं तो हम सभी भी उसी भाव में इसको ग्रहण करेंगे लोके रम तो महा मुने यथा गतिर्देव मनुष्यो पृथक स्वेव धर्मे न परम छिपे दूसरों की आलोचना करने से श्रेयस्कर है कि अपना कर्तव्य निभाया जाए बड़े बड़े दिव्य पुरुष भी कभी कभी वेदों के विधाय विधानों का उल्लंघन कर देते हैं क्योंकि उन्हें अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं होती ठीक उसी प्रकार जैसे कि देवता तो आकाश मार्ग में विचरते हैं किंतु सामान्य जन धरती पर चलते हैं तो यहाँ पर माता देवती के वंशाक्रम में आए हुए इस पूरे आगे जो चरित्र चित्रण भी हमें दिखेंगे उसमें सब अपने कर्तव्यों का किस प्रकार से निर्वहन करेंगे चाहे वे माता सती हैं चाहे आगे दिति और अदिति हैं चाहे इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सुनीति आएंगी और उनकी संतानें आएंगी सबने स्पष्ट रूप से एक विषय सुनिश्चित किया है दूसरों की आलोचना करने से श्रेयस्कर है कि अपना कर्तव्य निभाया जाए तो बड़े बड़े दिव्य पुरुष भी कभी कभी वेदों के विधि विधानों का उल्लंघन कर देते हैं बहुत सारे उदाहरण है इसके दुर्वाशा है लोमश श्रीषि इसके उदाहरण है विश्वामित्र इसके उदाहरण है क्यों क्योंकि उनको अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं होती है और मनुष्य धरती पर चलता है देवता आकाश में विचरण करते हैं इसको कहने का जो सामान्य सा प्रयोजन है वो ये कि जो सामान्य पुरुष है समस्त विधि विधानों का पालन करने की आवश्यकता है जबकि दिव्य स्थिति को प्राप्त पुरुष को इन सब के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती जैसे मनु ने स्वयं हमारे जीवन में मनुष्य को कैसा आचरण करना चाहिए ऐसा व्यवहार करके दिखाया और फिर संहिता दी फिर उन्होंने संहिता दी है तो दूसरा उदाहरण अगर हमें व्यवहारिक रूप से लेना है कि कैसे ये देवताओं और मनुष्यों की बात की जा रही है तो हम उसमें अपने आप को कहाँ से रखें बहुत सरल सा उदाहरण लेते हैं जब सूर्य की गर्मी जल का अवशोषण करती है इस धरती से तो वो इस बात में भेद नहीं करती कि ये जल शुद्ध है अथवा अशुद्ध है और जब वर्षा वही शोषित जल जब मेघों से बादलों से वर्षा के रूप में धरती पर गिरता है तो हम उसे शुद्धतम मानते हैं तो दिव्य पुरुष की और सामान्य पुरुषों की स्थिति का ये जो अंतर है वो यहाँ पर बताने का प्रयास है कि जब हम ग्रहण करते हैं जल को तो हमारे लिए ये भेद करना आवश्यक है कि हम कीचड़ की के पानी को पी रहे हैं समुद्र के पानी को पी रहे हैं वर्षा के जल को पी रहे हैं या गंगा के जल को पी रहे हैं जब सूर्य उसका शोषण कर रहा है तो हम हम जब उसको अव, अवशोषित कर रहे हैं तो हमें हमारे लिए विचार की आवश्यकता है जब सूर्य अवशोषित कर रहे हैं तो दिव्य पुरुष कहे गए शुद्धि और अशुद्धि की परवाह करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि उनके कर्तव्य में इतना सामर्थ्य है कि अपवित्र भी पवित्र हो जाता है पर यदि हम विचार किए बिना व्यवहार करेंगे तो हम उसके परिणामों से वंचित नहीं हो सकते तो इसीलिए कहा गया मनुष्य धरती पर है देवता आकाश में विचरण कर रहे हैं जो दिव्य पुरुष हैं उनके लिए वेद के विधि विधान की आवश्यकता नहीं है तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई भी निरंकुश होने जा रहा है सब एक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं पर सबकी व्यवस्था की अवस्था अलग अलग स्तर की है ध्यान देना है हमें व्यवस्था सभी एक व्यवस्था में काम कर रहे हैं लेकिन सबकी व्यवस्था की अवस्था अलग अलग जैसे किसी ऑफिस में या किसी सरकार में किसी भी व्यवस्था में एक हाई होती है एक स्तर होते हैं तो सबको सीधे आदेश प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के नीचे के क्रमगत स्तर पर आते आते सबको व्यक्तिगत रूप से आदेश नहीं देते या प्रधानाचार्य या डीन एक एक बच्चे को जाकर नहीं बताते एक नोटिस सर्कुलेट होती है जो रिस्पेक्टिव लेवल्स पे जो क्रमशः नीचे के अधिकारियों में जो प्रशासनिक पद वाले हैं उनको सर्कुलेट की जाती है उनको वितरित की जाती है और उसी क्रम में वो सामान्य जो छात्र छात्राएं हैं विद्यालय के कॉलेज के या जो सामान्य जनता है जिसका कहीं से कहीं तक प्रशासनिक व्यवस्था में कोई भाग नहीं है उसको वो प्राप्त होती है तो उसी क्रम में यहाँ पर कहा जा रहा है कि अधिकारों का विचार किए बिना आलोचना करने से श्रेयस्कर है कि अपना कर्तव्य निभाएं कभी कभी ऐसा दिख सकता है हमें कि जो दिव्य पुरुष वे, वेद विधि विधान का अनुसरण नहीं कर रहे हैं उल्लंघन कर रहे हैं पर यकीन करना चाहिए विश्वास करना चाहिए शास्त्र के इस विवरण पर कि हर वस्तु हर व्यक्ति हर घटना हर परिस्थिति भगवान के नियंत्रण में संचालित हो रही है बस ये हो सकता है कि उनका नियंत्रण हमारी तरह साधारण ना दिखे जैसे जय विजय को जय विजय द्वारा सनत कुमारों को वैकुंठ के सातवें द्वार पर रोकना निश्चित रूप से अनुचित है पर उस अनुचित के अनुचित में क्या उचित है ये समझने की हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है ये जब तक हमें किसी के मार्गदर्शन में नहीं समझाया जाएगा तब तक या स्वयं भगवान उपस्थित होकर जब कह रहे हैं कि ये मेरी व्यवस्था है ये मैंने बनाई है मैं चाहता था कि ऐसा हो मैं सनत कुमारों को सगुण साकार स्वरूप वाली वाली भक्ति बताना चाहता था केवल ज्ञान योग वाली नहीं और जय विजय को मैं अपने तरफ से नियुक्त करना चाहता था क्योंकि मुझमें वीर रस का आनंद लेने की मनोवृत्ति उत्पन्न हुई थी तो इसलिए यहां पर इसे इस रूप में समझना कई बार जैसे आ, एक आप में से एक श्रोता ने या परसों एक शिल प्रोपात के एक श्लोक के तात्पर्य का स्क्रीनशॉट भेजा था स्क्रीनशॉट में लिखा था कि भगवान की पूजा से श्रेयस्कर है कि भगवान के भक्तों को प्रसन्न किया जाए तो इसका अर्थ ये हुआ कि दुर्गा शिव गणेश सरस्वती जो हम करते हैं ना नारायणम नमस्कृत्य तो ये सब भगवान के भक्त हैं तो हमें इनकी पूजा अर्चना पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए ये सकारात्मक तर्क नहीं है भगवान निश्चित रूप से कहते हैं कि जो मेरे भक्तों का अपमान करेंगे मैं उनसे कभी प्रसन्न नहीं होता और जो मेरे भक्तों की पूजा करते हैं मेरे भक्तों की अभ्यर्थना करते हैं भक्तों की सेवा करते हैं उनसे मैं अधिक प्रसन्न होता हूँ पर हमें विस्मृत नहीं करना चाहिए कि ये व्यवस्था क्रमगत स्तर को समझाने के लिए जैसे तुलसीदास जी ने हनुमान जी को कहा राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैशारे तो ये विषय तनिक विपरीत है लेकिन कई बार हमें रास्ते की ही इतनी प्रशंसा ना करते रह जाएं रास्ते में विश्राम जनक स्थानों पे ही इतनी प्रशंसा ना करते रह जाएं कि हम लक्ष्य तक ना पहुंच सके ये स्मरण रहना चाहिए जब भगवान कहते हैं कि भक्तों की पूजा और श, आ, और अभ्यर्थना करना श्रेष्ठ है मुझसे भी श्रेष्ठ है मेरे भक्तों की पूजा करना तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भक्तों की पूजा और भक्तों की अभ्यर्थना क्यों कह रहे हैं भगवान ताकि उन भक्तों के संग में रहकर हमें भगवान की भक्ति करने में और रुचि हो भक्त इसलिए पूजनीय है क्योंकि वो भगवान की पूजा कर रहे हैं हमें ये विस्मृत नहीं करना है रास्ते पर अगर अगर तीर्थ यात्रा के समय जब हम निकलते हैं तो जगह जगह भंडारे जब आप वृंदावन परिक्रमा करेंगे तो जगह जगह लोग गर्मी में जब निर्जला एकादशी के दिन परिक्रमा होती है तो हमने देख रखा है कि जगह जगह लोग पानी जूस और इस प्रकार से जो जो सभी लोग तो नहीं निर्जला कर रहे हैं तो व्यवस्था बना कर रखी हुई है विचार करके देखिए भक्त भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं क्योंकि भक्त सदैव भगवान की पूजा में रथ हैं तो यदि भक्तों की कृपा हो जाएगी हमारे ऊपर तो हमें भी भगवान की उस दिव्य प्रेम अनुभूति का आस्वादन मिल सकेगा इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम भक्तों की पूजा तक ही रुक जाएं भक्तों की पूजा से हमारे जीवन में जैसे नारद मुनि के पिछले जन्म की कथा हमने स्कंद एक में पढ़ी थी जो चतुर्मास करने आने वाले ऋषि थे उनकी प्लेट से उठाए गए उच्छिष्ट प्रसाद को खाकर नारद की बुद्धि सुधर गई नारद ऐसा कहते हैं मेरे अंदर भगवत प्रीति के अंकुर उत्पन्न हो गए भगवत भक्ति की बीज लता वहां प्रस्फुटित हो गई तो भक्तों की पूजा करने का अर्थ ये नहीं हुआ कि केवल भक्तों की भक्तों की पूजा करने का अर्थ हुआ कि उनकी कृपा प्राप्त करना ताकि जिस प्रकार वो भगवान की पूजा में अनुरक्त है हमारे अंदर भी वैसी वृत्ति आ जाए तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप सुन रहे होंगे तो आपको इसका उत्तर मिल गया होगा ये इस प्रकार के प्रश्न वास्तव में तभी आ सकते हैं जब आप ध्यान पूर्वक और विचार पूर्वक विषय को श्रवण और पठन करने का प्रयास करते हैं तो रास्ते पर नहीं रुक जाना है मंजिल तो फिर ऐसी व्यवस्था में भी दोष है तत्पश्चात श्लोक संख्या बीस में कर्म प्रवृत्तम चनिवृतम क्षमा कीजिए कर्म प्रवृत्तम चनिवृत्त तम तम वे विवेच्यो द्वयम् तथा ब्रह्मणि कर्म नक्षती वेदों में दो प्रकार के कर्मों के निर्देश दिए गए हैं एक उनके लिए जो भौतिक सुख में लिप्त हैं और दूसरा उनके लिए जो भौतिक रूप से विरक्त हैं इन दो प्रकार के कर्मों का विचार करते हुए दो प्रकार के मनुष्य हैं, जिनके लक्षण भिन्न भिन्न भिन हैं। यदि कोई एक ही व्यक्ति में इन दोनों प्रकार के कर्मों को देखना चाहता है तो यह विरोधाभास होगा किंतु दिव्य पुरुष के द्वारा इन दोनों प्रकार के कर्मों की उपेक्षा की जा सकती है बहुत ही गंभीर यहाँ पर दर्शन की तरह इस श्लोक को दिया गया है भगवत गीता का सहारा लेते हैं यदि हम तो हमें स्मरण होगा भगवत गीता में श्लोक संख्या 31 से लेकर तिरपन तक अध्याय दो श्लोक संख्या अध्याय दो श्लोक संख्या 31 से लेकर तिरपन तक दो प्रकार के धर्म बताए गए हैं एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो वर्शिप होती है एक हमारी जो संवैधानिक स्थिति है नित्य धर्म होता है एक हमारा जो हमारा स्वधर्म होता है तो वहां पर क्या बताया गया अगर अगर हम इसको व्यवहारिक रूप से समझना चाहें तो एक इस शरीर से जुड़े संबंधी और स्वयं शरीर के पालन करना हमारा स्वयं का धर्म है ये पुरुषार्थ में आता है और दूसरा ये शरीर नित्य नहीं है ये शरीर क्यों प्राप्त हुआ है उसमें आत्मा की स्थिति क्या है उसका भान रखते हुए हमें अंतिम लक्ष्य की तरफ गतिमान रहना है तो जो दो प्रकार के धर्म भगवद गीता अध्याय दो में बताए गए हैं भगवान द्वारा अर्जुन के माध्यम से हम सभी को उसी को यहाँ पर इंगित करते हुए कहा गया है कि दो प्रकार के कर्म निर्देशित है एक तो भौतिक सुख के लिए दूसरा आध्यात्मिक सुख के लिए ऐसे व्यक्ति जिनकी भौतिक सुख में आ सकती है दूसरे ऐसे जिनकी भौतिक सुख में बिल्कुल विरक्ति है पर जो दिव्य पुरुष है उसके लिए यहाँ पर कह दिया गया कि वो दोनों प्रकार के कर्मों की उपेक्षा कर सकता है तो ये विषय यदि हमें स्पष्ट नहीं है कि उपेक्षा करने का क्या अर्थ हुआ तो हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है हमारे लिए जो आवश्यक रूप से समझने के लिए है वो ये कि दोनों प्रकार के धर्म और कर्म कर्म से धर्म का पालन करने के लिए किए जाने वाले कर्म आवश्यक रूप से हमें स्पष्ट हो जाने चाहिए तो चाहे जिस भी जिस भी हम स्टेज में है जिस भी जीवन के चरण में है इस समय चाहे विद्यार्थी ब्रह्मचर्य में हो चाहे गृहस्थ जीवन में चाहे वानप्रस्थ या सन्यास में चल रहे हों हमें स्मरण रखना चाहिए कि हमारे कर्म हमें इस धर्म की ओर उद्यत करें जहाँ एक निश्चित उत्तरदायित्व कर्तव्य के रूप में हमें अपने शरीर का पालन पोषण अपने पर आश्रित व्यक्ति संबंधी परिजन अनुचर इनका पालन पोषण आवश्यक रूप से हमारे कर्म में हमारे पुरुषार्थ से लक्षित होना चाहिए वहीं पर यह भी विचार रखना चाहिए कि किसी भी क्षण हमारी आत्म अनुभूति की अनदेखी ना हो जाए जब हम इन दोनों को साधना सीख जाएंगे जीवन में तब इसके ऊपर की स्थिति आती है जहां शिल प्रभुपाद लिखते हैं कि मनुष्य वैदिक अनुष्ठानों से संबंधित अपनी कामनाओं को पूरा करने के आदेशों के ऊपर उठकर दिव्य विचार में पूर्णतया खोया रहता है जैसे महादेव के लिए तुलसीदास जी श्री रामचरित मानस में भी लिखते हैं जहां जहां हरि कथा राम कथा होती है शिव पार्वती के साथ वहां उपस्थित होते हैं और इसीलिए हमारे आचार्य पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि कथा में श्रोताओं की संख्या कितनी है ये उतने महत्व की बात नहीं है वक्ता का भाव कितना शुद्ध है कहने का कहने वाले की अंतकरण में कितनी प्रबुद्धता है ये आवश्यक है क्योंकि जहाँ भगवान की कथा होगी वहां भगवान के देवता भगवान के अनुचर भगवान शिव और अन्य प्रकार की विभूतियां वेश बदल कर उपस्थित होती हैं सुनने के लिए तो भगवान की कथा तो ब्रह्मांड के रोम रोम से निर्गत हो रही है हम भगवान की कथा सुनकर भगवान पर एहसान नहीं करते कि आज तो मैंने दो घंटे सुने देखो भगवान मैंने अपने जीवन के दो घंटे तुम्हें दिए नहीं सारा समय उन्हीं का दिया हुआ है और वो व्यक्ति वो दिव्य पुरुष जो करनी या करणी के भेद से ऊपर उठकर अपना पूरा समय भगवान की भक्ति में दे रहा है उसके लिए कहा गया है कि उसके लिए वैदिक अनुष्ठान के इन नियमों का कोई मूल्य नहीं है क्योंकि ये नियम बने क्यों है भगवान की अनुभूति के लिए एक बार भगवान की अनुभूति जीवन में चरितार्थ हो गई है जिनके उनके लिए किस उन पर पर कोई नियम नहीं लागू होता तो इसीलिए इसलिए हम, हमने विशेष रूप से यहां पर कहा कि ये माता सती भगवान शिव की स्थिति के बारे में कह रही है हमें पहले उससे पहले के चरण में उसके पहले के स्तर में विधि विधानों का करणीय और अकरणीय का सतर्कता पूर्वक पालन करना चाहिए तत्पश्चात श्लोक संख्या 21 में मा वपदव्य पितस्मदास्थिता या यज्ञशालाशुनधूमवर्तभि तद्दन्तप्ते असुभृद्पीडिता अव्यक्तलिङ्गावधूतसेविता हे पिता हमारे पास जो ऐश्वर्य है उसकी कल्पना कर पाना न तो आपके लिए और न आपके चाटुकारों के लिए संभव है क्योंकि जो पुरुष महान यज्ञों को संपन्न करके सकाम कर्म में प्रवृत्त होते हैं वे तो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को यज्ञ में अर्पित अन्न खाकर पूरा करने की चिंता में लगे रहते हैं हम वैसा सोचने मात्र से ही अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर सकते हैं ऐसा वे ही कर सकते हैं जो विरक्त स्वरूप सिद्ध महापुरुष हैं। तो माता सती कह रही है कि मैं आपको केवल बड़ी बड़ी कोरी कोरी बातें नहीं बता रही हूँ आप ये जो यज्ञ कर रहे हैं ना इसके परिणाम स्वरूप आपको जो प्राप्त होना है इतना आप पुरुषार्थ कर रहे हैं आपको प्राप्त होना है हम तो केवल सोच कर ऐसे ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर सकते हैं कर्दम ऋषि के समय भी हमने ऐसा देखा था कि जहां देवताओं के विमान होते हैं जहां देवताओं की पत्नियों के सौंदर्य और ऐश्वर्य थे कर्दम ऋषि ने योग सिद्धि से माता देवहूति के लिए वो सब कुछ स्वाभाविक रूप से उत्पन्न कर दिया जब उन्हें अपने पति होने के कर्म का धर्म का और माता देवहूति के राजपुत्री राजघराने से होने का जो एक लक्षण मात्र प्रदर्शित करना था कहने के लिए गृहस्थ जीवन के लिए आवश्यक रूप से तो माता सदी यहाँ पर कह रही हैं कि पिता आप इस भुलावे में मत रहिए कि प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य में आप बड़े हैं आपने अपनी कन्या आपको लगता है कि ऐसे व्यक्ति को दी है जो समस्त संस्कृति से रहित है और निर्धन है और आपको लगता है कि मेरी पुत्री परम है और पिता की पति की अनुगामिनी है और उसके पति की दशा अत्यंत दयनीय और शोचनीय है ये सब कोरी बकवास है ये आपके अंतकरण की मलिनता है और उसके उत्तर में ही सती कह रही हैं कि हमारे परिवार के महादेव के ऐश्वर्य को आप जैसे भौतिकतावादी व्यक्ति और उनके अनुचर तो समझ ही नहीं सकते हैं मेरे पति की स्थिति सर्वथा भिन्न है उनके पास सारा ऐश्वर्य है पर वे उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहते ऐसे ऐश्वर्य को अव्यक्त कहा जाता है आवश्यकता पड़ने पर वो अपना ऐसा अद्भुत ऐश्वर्य दिखा सकते हैं जो आप विचार भी नहीं कर सकते और स्थितियों को देखकर मैं आपको बता सकती हूं कि यहां ऐसी घटना होने का मुझे पूर्वाभास मिल रहा है प्रोपात तात्पर्य में कहते हैं कि माता कह रही है ऐसी घटना का यहाँ पूर्वाभास मिलता है क्योंकि ये यह यहाँ पर शीघ्र ही घटित होने वाला है तो भले ही राजा दक्ष या उनके प्रशंसकों ने शिव की स्थिति नहीं समझी है लेकिन माता सती यहां स्पष्ट कर रही हैं कि उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उनके पति ऐश्वर्य से विहीन हैं। क्योंकि शिव को भगवान ने शिव ने माता पार माता सती को अर्धांगिनी का स्थान दिया है तो शिव जी की निष्ठावान पत्नी के रूप में शिव के भेदों की अः स्वामिनी है माता सती और वैसे अगर हम तात्विक दृष्टि से देखें तो भगवान की बहिरंगा शक्ति की अधिष्ठात्री हैं सती के रूप में पार्वती के रूप में दुर्गा के रूप में बहुत ही विचार करने पर हम माता सती की स्थिति को किसी भी प्रकार से शिव की स्थिति से कमतर नहीं कह सकते दोनों को ही इस भौतिक जगत के संचालक होने का अधिकार दिया गया है माता पिता के रूप में तो श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंध में पुनः शिल प्रभुपात लिखते हैं कि शिव की जो ऐश्वर्यपूर्ण स्थिति है उसका वर्णन किया जाएगा कुछ और बातें भी लिखी हैं यहाँ पर पर पुनः इसको पढ़कर हमें भेद भेद बुद्धि अतिरिक्त प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है कुछ और बातों में ऐसे लिखा हुआ है कि कई बार शिव के उपासक विष्णु के उपासकों से अधिक ऐश्वर्यशाली लगते हैं पर इसका अर्थ कदापि ये नहीं समझना चाहिए कि भक्ति में भी यह पद समान रूप से प्रभावी होगा क्योंकि व्यवहारिक जगत में शिव और पार्वती भौतिक शक्ति के सामर्थ्य के ऐश्वर्य के अधीक्षक है सांसारिक कार्यकलापो के दुर्गा और सती के रूप में त्रिदंड धारण करके तीन प्रकार के गुणों को नियंत्रण में रखने वाले तो उसमें कभी कभी ऐसा लग सकता है कि दुर्गा माता दुर्गा के लिए लिखा हुआ है कि अपने पति को यशस्वी बनाने के लिए वे उपासकों को सभी प्रकार का भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करती हैं जबकि भगवान कृष्ण विष्णु के उपासक तो आध्यात्मिक उन्नति के निमित्त बने हैं तो इसलिए कभी कभी उनका भौतिक ऐश्वर्य अधिक लग सकता है पर होनी चाहिए इन तो तात्पर्यों को अवश्य पढ़ें यदि कोई भी बिंदु मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब आपने पूछना चाहा कि भक्तों की पूजा करना फिर श्रेष्ठतम श्रेष्ठतर हो गया भगवान से उसी प्रकार यदि कोई भी बिंदु दुविधा युक्त लगे तो आप अवश्य उसकी जाँच कर सकते हैं श्लोक संख्या बाईस में नेति नदी ही न हरे कृतागसो देहो उद्भवे नालमलम कुजन्मना रीणाम बबहुत कुजना प्रसंगत तज जन्मदिग्यो महताम अवद्यक्रेत आप भगवान शिव के चरण कमलों के प्रति अपराधी हैं और दुर्भाग्यवश मेरा शरीर आपसे उत्पन्न है मुझे अपने इस शारीरिक संबंध के लिए अत्यधिक लज्जा आ रही है और मैं अपनी स्वयं भर्सना करती हूँ कि मेरा शरीर ऐसे व्यक्ति के संबंध से दूषित है जो महापुरुष के चरण कमलों के प्रति अपराधी है तो माता सती यहाँ पर अपने और दक्ष के पिता पुत्री के संबंध के रूप में को यहाँ पर व्यक्त करते हुए कहती हैं कि आपसे ऐसे शारीरिक संबंध के कारण मुझे अत्यधिक लच आ रही है शिल प्रउपाद ने लिखा है शिव जी भगवान विष्णु के समस्त भक्तों में सर्वोच्च कहे गए अब हम यहाँ पर कहें कि माता सती का प्रसंग है हम भगवान शिव को सर्वोच्च कह रहे हैं जब गोपियों का प्रसंग आता है तो हम राधा रानी को कहते हैं राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति में आती हैं शिव जी यहाँ पर परम वैष्णव शिव तत्व विस्तार के रूप में व्यक्त किए गए वैष्णवा नाम यथा यथाशंभु जब भगवत गीता में हम भगवान की विभूतियां जो बयासी प्रमुख विभूतियों के बारे में भगवान स्वयं बताते हैं तो वैष्णवा नाम यथा यथाशंभु और शिव सदैव इस दिव्य स्थिति को प्राप्त करके अवस्थित हैं क्योंकि वे शुद्ध वसुदेव अवस्था में अपने आप को स्थित रखते हैं तो माता सती कहती है कि मुझे शिव की संगिनी होने का खेद नहीं है लेकिन मुझे दुख है कि मेरा शरीर आपसे दक्ष महाराज आपसे उत्पन्न हुआ है और आप शिव जी के चरण कमलों के प्रति अपराधी हैं। तो मैं अपने आप को धिक्कारना चाहती हूँ मैं अपने शरीर को समाप्त कर देना चाहती हूँ श्लोक संख्या तेईस में कहती है माता सती गोत्र तदीय भगवान्षध्वजो दाक्षाणी यदा सुदुर्मना व्यपेत नर्मस्मत आशु तदा व्युत्सृक्ष्य तदंगज क्या कहती हैं जब शिव जी मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारते हैं तो अपने पारिवारिक संबंध के कारण मैं तुरंत खिन्न हो उठती और मेरी सारी प्रसन्नता तथा हंसी तुरंत भाग जाती है मुझे अत्यंत खेद होता है कि मेरा यह थैले जैसा शरीर आपके द्वारा उत्पन्न हुआ है अतः मैं इसे त्याग दूंगी तो यह हमारा श्लोक तेईस था श्लोक संख्या तेईस तक सती द्वारा दक्ष की भर्सना की जा रही है और इस भर्सना में सती अपने इस शरीर से जो उन्हें दक्ष की कृपा रूप में प्राप्त हुआ है उसको नष्ट करने के लिए अब उद्यत हो चुकी है तो माता सती का ये प्रसंग है और आगे आ, आ, अभी अभी यहां पर माता सती शोकाकुल हो रही हैं माता सती का स्पष्ट रूप से कहना है कि दाक्षाय शब्द सुनते उन्हें स्मरण आ जाता है कि किस प्रकार दक्ष शिव को किसी भी प्रकार का मान नहीं देते और उनके लिए पुत्री रूप में अत्यंत खिन्नता लाने वाला विषय है तो वो अभी शरीर को नहीं रखना चाहती है और आगे हमें शिव का भी इसमें प्रसंग आने वाला है कि माता सती द्वारा देह त्याग करने के पश्चात उनकी क्या स्थिति है वो किस प्रकार समाज को और प्राणी मात्र को संदेश देने जा रहे हैं तो बहुत ही गंभीर विषय है कथा के रूप में तत्व के रूप में तो हमें इसमें सारे बिंदु लगभग स्पष्ट रहेंगे क्योंकि ध्येय और उद्देश्य स्पष्ट है जहाँ भगवान और भगवान के भक्तों का आदर नहीं है वहां रहना निरर्थक है श्लोक संख्या चौबीस से लेकर 27 तक माता सती का देह त्याग है मैत्री त्री त्वरि शत्रुहन् शिता उदीचिं निशाद स्पृष्ट्वा जलं पीतदुकूलसंवृता निमील्यद् समाविश मैत्री ऋषि ने विदुर से कहा हे शत्रुओं के संघारक यज्ञ स्थल में अपने पिता से ऐसे कहकर सती भूमि पर उत्तर मुख होकर बैठ गई वस्त्र के लिए अपनी आंखें मूंद ली तो देह पहले जैसे कई कई हमारे यहाँ ऐसी प्रथाएं रही हैं जिन्हें बाद में कुप्रथा कह दिया गया हमने धृतराष्ट्र के उसमें भी देखा कि स्कंद एक में की किस प्रकार योग से उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया स्वयं अग्नि निकलने लगी उनके शरीर से और गांधारी ने उसी में अपना देह त्याग किया है तो ये कोई ऐसी सामाजिक व्यवस्था नहीं थी जिसमें बलात् बलपूर्वक किसी को शरीर त्यागने के लिए प्रेरित किया जा रहा हो ये योग शक्ति थी हमारे इसी कलयुग में एक धर्म में ऐसी मान्यता है कि जब शरीर त्याग करने का भाव आता है तो वो कुछ हफ्ते दिनों महीनों पहले भोजन त्याग कर देते हैं समस्त प्रकार की वृत्तियों से अपने आप को विरक्त कर लेते हैं और एक स्थान पर रहते हैं और वहीं पर ध्यान करते करते धीरे शरीर धीरे धीरे शरीर इतना कृष्काय हो जाए कि उसे वो त्याग देते हैं कुछ महीने कुछ कुछ वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट में इसकी दलील भी गई थी कि इसे आत्महत्या कहा जाएगा सुसाइड कहा जाएगा पर अंततः शास्त्र से ऐसी ऐसी दलीलें दी गई कि उसको स्वीकृत किया गया तो ये ये सनातन धर्म की जो अलग अलग शाखाएं प्रशाखाएं हैं मनोवृत्तियों के अनुसार उसकी बात की जा रही है यहाँ पे तो यहाँ सती सती यहाँ पर अपने आप को अम्म क्रिया में निमग्न करके आंखें मूंद ली हैं और शिल प्रोपात लिखते हैं कि जब मनुष्य अपना शरीर त्यागना चाहता है तो शास्त्र इस प्रकार से कहते हैं कि केसरिया रंग धारण कर लेता है केसरिया रंग वास्तव में त्याग का समर्पण का विरक्ति का प्रतीक है और माता सती इस प्रकार वस्त्र धारण करने की ये जो यहाँ पर स्थिति प्रस्तुत की गई है इसका अर्थ ये हुआ कि अब दक्ष द्वारा प्रदत्त शरीर को वो त्यागने जा रही हैं ऐसा सबको स्पष्ट हो जाए तो दक्ष का वध करने की अपेक्षा माता सती ने उनके द्वारा प्रदत्त शरीर को ही त्यागना श्रेयस्कर समझा और शरीर को योग क्रिया द्वारा वो अब त्यागने के लिए उद्यत हो गई हैं तो शिव जी समस्त योगियों में श्रेष्ठ हैं इसमें तो कोई संशय नहीं है और समस्त योग क्रियाएं जानते हैं तो निश्चित रूप से माता सती भी सब कुछ जानती है इसमें हमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि उन्होंने अपने पति से योग सीखा है तो चाहे हम उन्हें दक्ष की पुत्री महान सम्राट की पुत्री के रूप में सुशिक्षित माने चाहे महादेव जो कि योग विद्याओं में निपुण हैं उनसे सीखा हुआ माने विषय जो यहाँ पर त्यागने जा रही है शरीर के भीतर की वायु को साध कर सिद्ध हस्त होकर आत्मा को मस्तिष्क के शीर्ष तक ले जा रही है और फिर शरीर से ज्वाला फूट पड़ती है तो योगी इच्छा अनुसार कहीं भी आ जा सकता है इस आधुनिक युग में शिल प्रभु कहते हैं कि ऐसी बातें यदि किसी को विश्वास ना भी भी लगे तो भी उसकी अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है प्रमाणित करने के लिए शास्त्र अपने प्रमाणों से भरा हुआ है इस विषय के लिए तो जैसे कई बार अः कुछ घटनाएं हैं ऐसी जिनके लिए कहा जाता है चाहे वो जौहर हो गई चाहे वो पति के बाद शरीर जैसे माद्री ने शरीर त्याग किया था महाभारत से तो ये कोई बलात नहीं था ये उनका स्वेच्छापूर्वक योग क्रिया के द्वारा स्वयं को प्रस्तुत करने का था ये 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 समाज में ये व्यवस्था किसी भी प्रकार से किसी कुप्रथा के रूप में नहीं समझी जानी चाहिए और ना ही किसी को इसे कुप्रथा के रूप में स्थापित करने के लिए सहयोग देना चाहिए ये जिसे हम आज की आधुनिक भाषा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं सनातन धर्म द्वारा दिए गए अधिकार में ये उसी रूप में ली जानी चाहिए तत्पश्चात श्लोक संख्या पच्चीस में कृत् समान सना सोदानुत्थ्य चनाचक्रत शने स्थाप्य धोरसी स्थित कंठा ध्रुवो मध्यमिंदतानय सबसे उन्होंने अपेक्ष सबसे उन्होंने अपेक्षित रीति से आसन जमाया और फिर प्राण वायु को ऊपर खींचकर नाभि के निकट संतुलित अवस्था में स्थापित कर दिया तब प्राण वायु को स्थापित करके बुद्धि पूर्वक उसे हृदय में ले गई और फिर धीरे-धीरे श्वास धीरे मार्ग से होते हुए क्रमशः दोनों भावों के बीच में ले आई तो ये हमने भगवत गीता में भी श्रवण किया है ये हमने अष्टांग योग में भी श्रवण किया है कि योगी क्रियाओं में जो शरीर के भीतर षड चक्रों में घूमती हुई वायु है उसका निरोध किस प्रकार से किया जाए पहले वायु को उदर से नाभि में नाभि से हृदय में हृदय से कंठ में कंठ से दोनों भावों के बीच में और अंत में भावों के मध्य से मस्तिष्क के शीर्ष भाग में ले जाया जाता है तो योगाभ्यास की ये सही क्रिया स्पष्ट की गई है तो जब हम वास्तविक योग्य पद्धति की बात करते हैं तब मनुष्य को इसीलिए सबसे पहले आसनों को योगाभ्यास में साधने का प्रयास करना सिखाया जाता है जिससे कि श्वास की क्रियाओं में सहायता मिले जिससे कि ऊपर तथा नीचे की ओर आने जाने वाली वायु को संयमित किया जा सके और जब योग की ये सर्वोच्च सिद्धावस्था प्राप्त करने की जो तकनीक है वो प्राप्त हो जाती है तो सिद्ध योगी मस्तिष्क के बिल्कुल ऊपरी वाले बिंदु से कहा गया है कि वहां पर इसलिए जब सिद्ध योगी शरीर छोड़ते हैं तो कहा जाता है कि उनके मस्तिष्क में में पर, आ, में ऊपरी ऊपरी भाग भाग पर सिर के अवलोकित होता है वैसे व्यवहारिक रूप से ने स्पष्ट लिख दिया है कि इस युग में कोई भी इस केवल हठ योग ये जो अष्टांग योग हठ योग इस प्रकार से सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता जो कुछ आसनों का अभ्यास किया जाता है वो व्यायाम है और शारीरिक व्यायाम रक्त संचार के लिए अच्छे हैं, शरीर स्वस्थ रह सकता है इन व्यायामो की सीमितता इतनी है उच्चतम सिद्धावस्था आध्यात्मिक अवस्था इन व्यायामो से कलियुग के लिए संस्तुति नहीं है तो प्राप्त नहीं की जा सकती है भक्ति योग को व्यवहारिक कहा गया है कलियुग के लिए सीधे वैकुंठ लोग जाने का आनंद और ज्ञान से नित्य पूर्ण जो मार्ग है वो यहाँ पर उद्यत है पर माता सती के इस प्रसंग में यह बताया जा रहा है कि उन्होंने इस प्रकार नाभि से उदर से हृदय से भो के बीच से मस्तिष्क के शीर्ष तक अपनी वायु को इस प्रकार चलायमान किया है श्लोक संख्या 26 में एवं स्वदेह महताम मही समितम आदरा जिहा सती दक्षा मनस्विनी दधार गात्रु अनिलग्निधारण इस प्रकार महर्षियों तथा संतों द्वारा आराध्य शिव की गोद में जिस शरीर को अत्यंत आदर तथा प्रेम से बैठाया गया था अपने पिता के प्रति रोष के कारण सती ने अपने उस शरीर का परित्याग करने के लिए अपने शरीर के भीतर अग्निमय वायु का ध्यान करना आरंभ कर दिया गया तो शिव जी जिनके लिए कहा जाता है कि कैलाश पर सदा सर्वदा संतों महात्माओं के साथ भगवत चर्चा में वो लगे हुए हैं या अपने हृदय में वो गुंजायमान कर रहे हैं वो शिव जो माता सती को अपनी गोद में बैठाकर विभूषित करते थे कथा आती है यहाँ पर जहाँ राजा को श्राप मिला था इसलिए क्योंकि वो भगवान शिव की वास्तविक अवस्था को नहीं समझ पाए और उन्हें संत समागम के बीच में शिव को अपने गोद में बैठाए भगवान शिव कथा चर्चा कर रहे थे और परिहास में उस राजा को श्राप भी प्राप्त हुआ था माता सती द्वारा तो सती द्वारा जो ये स्थापित गंभीर उदाहरण है यहाँ पर इसका हमें अनुसरण करना है सती ने अपना शरीर त्याग करने का निश्चय इसलिए किया क्योंकि दक्ष से संबंधित होने के कारण वह दुख का कारण बन गया था तो ये व्यवहार गंभीर उदाहरण का अनुकरण करने का अर्थ हुआ कि भगवत निंदा के प्रति हमारी युति होनी चाहिए और भक्ति के प्रति हमारी मति होनी चाहिए तो अनुकरण करने का अर्थ हुआ प्रभुपाद ने यहाँ लिखा है अनुकरण करने का अर्थ यह हुआ कि हमें किन व्यक्तियों की संगति करनी है इसके लिए बहुत सावधान रहना चाहिए किन व्यक्तियों की संगति करनी है नास्तिकों की या भक्तों की संगति से हमें अपने आप को दूर रखने का प्रयास करना है तत्पश्चात तो 27वां श्लोक है जैसा मैंने कहा था तेईस से 27 तक माता सती द्वारा देह त्याग का वर्णन है श्लोक संख्या 27 में मैत्रेय मुनि कह रहे हैं तत स्वभर्तुर चरणां पूजावसं जगद्गुरोश्चन्तयतिं न चापरम ददर्श देहो हत कल्मश सती सद्य प्रजज्वाल समाधिजाग्निनां सती ने अपना सारा ध्यान अपने पति जगत गुरु शिव के पवित्र चरण कमलों पर केंद्रित कर दिया इस प्रकार वे समस्त पापों से प्रज्वलित शरीर में अपने अग... प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर का परित्याग कर दिया अग्निमय तत्वों के ध्यान द्वारा हमने अग्नि के जो उनचास प्रकार की अग्नियां समझी थी उनके लिए कहा जा रहा है कि अग्निमय तत्वों का ध्यान किया है प्रज्वलित शरीर को अग्नि में परित्याग करने के लिए पर उससे पहले अपने चित्त को अपने मन को अपने विचार को शिव के पवित्र चरण कमलों पर केंद्रित करके अपने आप को समस्त पापों से मुक्त कर लिया है तो भगवान के चरण कमलों पर ध्यान लगाने से जो आनंद मिलता है उससे जीव समस्त कर्मशों से यूं ही मुक्त हो जाता है यहां माता सती का कलमश क्या था माता सती का कलमश सिर्फ इतना था कि दक्ष से प्राप्त देहात्म बुद्धि थी उनकी और उसको अब वो अंत कर देना चाहती थी जीव गोस्वामी जी का उद्धरण देते हैं शिला प्रभुपाद यहां पर कहते हैं सती द्वारा शरीर त्याग का अर्थवास्तव में क्या हुआ कि सती ने दक्ष से अपने संबंध को हृदय के भीतर तक से त्याग दिया और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का उदाहरण देते हुए कहा है सती बहिरंगा शक्ति की अधीक्षक विग्रह है तो जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा तो उन्होंने उन्हें आध्यात्मिक देनी प्राप्त हुई वरन दक्ष द्वारा प्राप्त शरीर से उन्होंने स्थानांतरण कर लिया कहने का अभिप्राय है कि माता सती सदा सर्वदा रही हैं केवल और केवल दक्ष द्वारा इस प्रकार शरीर त्याग का अर्थ यह हुआ कि उन्होंने अपने आप को दक्ष के शरीर से स्थानांतरित कर लिया और अन्य टीकाकारों के लिए यहां पर कहा गया है कि तुरंत अपने आप को मेनका के गर्भ में स्थापित कर लिया जो उनकी भावी माता थी तो दक्ष से प्राप्त शरीर को त्याग कर तुरंत ही एक श्रेष्ठतर शरीर में स्थानांतरित हो गई पर इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया तो हमें हमें विषय को उसकी बुद्धि के अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं शास्त्रों द्वारा दी गई मती के अनुसार समझना है माता सती यहाँ पर जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमारे शरीर त्याग करने के अनुकरण करने का अर्थ ये हुआ कि हृदय से किसी भी प्रकार के भौतिक झंझावात वाले जो भगवान में संशय करें ऐसे लोगों की संगति से अपने आप को दूर कर देना चाहिए श्लोक संख्या 28 से आरंभ होने जा रहा है अट्ठाईस उनतीस तीस में गगन बेदी है और तत्पश्चात इक्कीस से चौतीस तक रिभु देवताओं द्वारा शिव सेवकों को हटाने का यहाँ पर वर्णन किया गया तो श्लोक संख्या अठाइस में सुमहान जायत हंत प्रिया देवतमस्य देवी सती सती प्रकोपिता जब सती ने अपना शरीर भस्म कर दिया तो समुचे ब्रह्मांड में घोर कोलाहल मच गया कि सर्वाधिक पूज्य देवता शिव की पत्नी सती ने इस प्रकार अपना शरीर क्यों छोड़ा जब तक सती ने अपना शरीर नहीं छोड़ा था तब तक देवता वहां आकर आनंद ले रहे थे दक्ष के यज्ञ में अपना भाग ले रहे थे और शरीर छोड़ते ही वहां पर वर्णन हुआ है सर्वाधिक पूज्य देवता शिव की पत्नी ने शरीर ऐसा क्यों छोड़ा तो कई बार व्यक्ति के इसलिए कहता है व्यक्ति जब तक जीवन है तब तक उसकी हमें उसके गुणों की उसके महत्व की उसके परिचय की सावधानी पूर्वक हमें उसके स्वाभिमान की इन सब की रक्षा करते हुए हमें उसकी आ, अच्छी सुगति के लिए प्रयास करना चाहिए ये नहीं कि जब किसी जीवन भर कोई जीवित है तो हमने उसके साथ अनेकों प्रकार के आ, वचन बोले उसका तिरस्कार किया और शरीर छोड़ने के बाद अचानक से उन्हें वैकुंठवासी स्वर्गवासी दिवंगत अनेकों प्रकार के विशेषणों से अलंकृत कर दिया तो माता सती के लिए अभी तक जो देवता वहां पर उपस्थित थे वो दक्ष को नहीं समझा पाए और शरीर त्याग करते ही अचानक से वो अह रोष में तो नहीं आया कोलाहल मच गया विद्वग्नता की स्थिति उत्पन्न हो गई क्यों क्योंकि उन्हें लगा इतना भी क्या क्रोध था कि शरीर छोड़ दिया वो तो एक महापुरुष की पुत्री और महात्मा की पत्नी थी तो उन्हें किस प्रकार का भाव था कि इतना संतुष्ट होकर शरीर छोड़ दिया तो यहां पर श्रीले प्रभुपाद अपने तात्पर्य में भी कहते हैं कि मनुष्य का वास्तविक संतोष क्या है यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी वास्तविक संतोष क्या है जब शरीर मन और आत्मा संतुष्ट होते हैं और जब इसकी कोई संभावना नहीं दिखती है तो अपने आप को पूर्णतया भगवत प्रवृत्ति की ओर विरक्त किए हुए आचार्यों के व्यवहार में यदि कुछ भी हमें समझ में नहीं आए तो उसे हमें देव उसे हमें भगवान की इच्छा समझ लेनी चाहिए तो यहाँ पर जो देवता आ, प्रथम यज्ञ में और अब द्वितीय यज्ञ में भी ब्रह, ब्रह्मा और शिव की स्थिति का स्पष्ट अंतर करते हुए दक्ष को भगवान शिव की महान उपस्थिति के बारे में बोध न करा सके वो अब शरीर, देने, शरीर त्याग देने पर भयपूर्ण कोलाहल कर रहे हैं कि ये कैसे हो गया ये कैसे हो गया श्लोक संख्या उन्तीस में कहते हैं अहो अनात्म्यम महदस्य पश्यत

यह आश्चर्यजनक बात है कि प्रजापति दक्ष जो समस्त जीवात्माओं का पालन हारा है अपनी पुत्री सती के प्रति इतना निरादरपूर्ण था कि उस परम साध्वी एवं महान आत्मा ने उसकी उपेक्षा के कारण अपना शरीर त्याग दिया तो यही विषय मैं कह रही थी कि हमें स्मरण रखना चाहिए कि जब तक शरीर में रूप में कोई जीवित है तब तक हम उसका यथोचित सम्मान करें जैसे जैसे आचार्य लोग आजकल कहने लगे हैं कि जब हम किसी नए स्थान पर जा रहे हैं जब हम भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन करें तो तुरंत हम पहले मोबाइल फोटो क्लिक करते हैं एक निश्चित सीमा तक आवश्यक लग सकता है पर पहले कुछ पल पहले कुछ क्षण उस जीवन में जी कर देखना चाहिए पुत्री के रूप में जब दक्ष की दक्ष के पास माता सती उपस्थित थी तो इतना निरादर कर देना कि वो उस उपेक्षा से दुखी होकर अपना शरीर त्याग दे तो ऐसा जीवन में हमें अपने स्वयं के व्यवहार के लिए भी जागृत रहना चाहिए जब हितोपदेश कहता है कि जो हम अपने साथ नहीं चाहते वो हमें दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए तो वास्तव में इस सरल से किंतु गूढ़ एक पंक्ति के मंत्र में जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान लिखा है जो हम अपने साथ नहीं चाहते न वैसे कार्य न वैसे शब्द न वैसा व्यवहार वो हमें कभी भी दूसरे के साथ करने का प्रयास नहीं करना चाहिए तत्पश्चात श्लोक संख्या तीस में क्योंकि ये भयानक भ्या, कोलाहल हो रहा है सोयम श्रदयो बुक पुनः करते हैं एक बार सोयम दुर्मश सोयम दुर्मश हृदयो ब्रह्मध्रुक के अपकीर्तिम महतिम अवापस्यति यदा स्वाम पुष्दिडुद्यता न प्रत्यषेधन मृत ये ऐसा दक्ष जो इतना कठोर हृदय है है, कि ब्राह्मण होने के के अयोग्य वह अपनी पुत्री प्रति किए गए अपराधों के कारण अतीव अपयश को प्राप्त होगा क्योंकि उसने अपनी पुत्री को मरने से नहीं रोका और वह भगवान के प्रति अत्यंत द्वेष रखता था तो दक्ष का यह अपराध की वह भगवान के प्रति द्वेष रखता था पहले ही उसकी अमंगल कारक भविष्य की ओर संकेत कर चुका था अब सती ने शरीर त्याग करके इसको सुनिश्चित कर दिया क्योंकि उसने अपनी प्रिय पुत्री को मरने से नहीं रोका भगवान के प्रति द्वेष रखने के कारण उसने एक पाप के ऊपर अब एक और पाप कर दिया जो उसके खाते में जा रहा है तो ऐसा व्यक्ति अतीव अपयश को प्राप्त होगा मैत्रेय मुनि कहते हैं और इतना कठोर हृदय वो ब्राह्मण होने के सर्वथा अयोग्य है तो ब्राह्मण अर्थात गुण कर्म और स्वभाव से उन्हें क्योंकि तभी तो वो सभी की भलाई के लिए पूर्वक पठन पा, पाठन करके और क्षत्रिय राजा और प्रशासकों का मार्गदर्शन करते हैं तो कहा गया है कि ऐसी स्थिति में वो किसी भी प्रकार से कर्म और स्वभाव से ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है अभी इकतीस से लेकर चौतीस तक रिभु देवताओं द्वारा शिव को हटाने की ये कथा है जो हम श्रवण करने जा रहे हैं अंतिम चार श्लोकों में इस अध्याय के श्लोक संख्या इकतीस में वद्यव जने सत्या दृष्ट सुगम अद्भुत दक्षम तत्षदा उदतिष्ठ अनुदायुदा वद्यव जने सत्या दृष्ट्वा सुत्यागमद्भुत दक्ष तत्पार्षदाहंतु उदतिष्ठत अनुदायुधा जिस प्रकार जिस समय सब लोग सती की आश्चर्यजनक स्वेच्छित मृत्यु के विषय में परस्पर बातें कर रहे थे उसी समय शिव के पार्षद जो सती के साथ आए थे अपने अपने हथियार लेकर दक्ष को मारने के लिए उद्यत हो गए क्यों? क्योंकि जो सती के साथ आने वाले पार्षद थे वो किस लिए आए थे माता सती की सभी प्रकार से रक्षा करने के लिए आए थे और यहाँ क्या हो गया वे अपनी स्वामी की पत्नी की रक्षा करने में असमर्थ हुए तो इसलिए वे अपने मरने का मन बना चुके थे और मरने के पूर्व वो दक्ष को मार देना चाहते थे तो अनुचर का जो कर्तव्य बताया गया वो पहले स्वामी की सुरक्षा करे और यदि वो इसमें असफल हो जाए तो उसके लिए का, क्या कहा गया मृत्यु का विधान है स्वयं को ऐसा कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वामी की हितों की रक्षा करने में असमर्थ है और उसके पश्चात वो शरीर त्याग रहा है उस प्रकार से आध्यात्मिक अर्थ में कहा गया तो वो निश्चित रूप से सुगति प्राप्त करता है तो शिव जी के अनुचरों ने कहा कि हम माता सती की रक्षा करने के लिए आए थे यदि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हमारे जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं है पर जिसने माता सती को इस स्थिति में लाया है उसका वध करने के पश्चात हम अपने आप को अपनी जीवन लीला को समाप्त करेंगे श्लोक संख्या बत्तीस में देशापत ताम वे गेशाव भगवान भिगु यज्ञ यजुषा दक्षिणाग्नो जुझाव मस्तिष्क कितना संक्रमित होता है कि जब आप एक प्रकार के मीटर में पढ़ रहे हैं तो बार बार आपकी जो ध्वनि है वो दो पंक्ति में न जाके चार पंक्ति में जा रही है लगातार दूसरा श्लोक है तेषामापततां वेगं निशाम्य भगवान् भृगु यज्ञेन घग्नेन यजुषा दक्षिणाग्नो जुझावः वे, जुझा वे बलपूर्वक आगे बढ़े किंतु भृगु मुनि ने संकट को ताड़ लिया और याज्ञिक अग्नि की दक्षिण दिशा में आहुति डालते हुए उन्होंने तुरंत यजुर्वेद से मंत्र पढ़े जिससे यज्ञ को विध्वंस करने वाले तुरंत मर जाएं तो जैसे ही भगवान शिव के अनुचरों का उद्देश्य सतर्क भृगु मुनि ने समझा उस संकट को वो समझ गये। उन्होंने क्या किया अग्नि की दक्षिण दिशा में आहुति डाली है तो वेदों के शक्तिशाली मंत्रों का एक उदाहरण यहां हमें प्राप्त हो रहा है कि ऐसे अद्भुत कार्य हो सकते हैं तुरंत भृगु द्वारा यज्ञ को विध्वंस करने वाले मर जाएं ऐसे से मंत्र पढ़े का उपचार किया जा रहा है वहां पर तो कलयुग में शिला प्रोपात कहते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढना नामुमकिन नहीं है बहुत मुश्किल है और उसमें सभी प्रकार की सिद्धि से ज्यादा असिद्धि कुसिद्धि और नुकसान होने की संभावना अधिक है इसलिए ऐसी सिद्धियों से जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब एक उदाहरण है उसका जब तक तक वो बना बना नहीं था तब तक हमें उसकी होती। अब उसको बनाने से ज्यादा जिन्होंने के रख लिया इतनी ज्यादा अवस्था और व्यवस्था में उनके ऊपर अनेकों प्रकार के सैंक्शन लगाए जा रहे हैं उन पर और सब एक दूसरे को संतुलित करके चलना चाहते हैं कि इनका प्रयोग ना हो क्योंकि इनका किंचित मात्र प्रयोग अब से साठ सत्तर साल पहले जब हमने देखा देखा नहीं है सुना है पर अपने आप में वो अत्यंत दर्दनाक है और उससे कई गुना ताकतवर और, और शक्तिशाली ऐसे आयुध भी ढूंढ लिए गए हैं तो उसी प्रकार वेदों के शिल्प प्रपात कहते हैं कि वेदों के ऐसे मंत्रों का कलयुग में उपदेश कलयुग में इसका प्रयोग करना भी वर्जित कह दिया गया है शास्त्रों द्वारा क्योंकि व्यक्ति के पास इतनी उच्च मेधा नहीं है तो अंतिम दो श्लोक हैं अर्धयुणा हूयमाने देवा उत्पेतु रोजसा रिभुवो नाम तपसा सोमं प्राप्ता सहस्त्रश जब भृगु मुनि ने अग्नि में आहुति डाली तो तक्षण रिभु नामक हजारों देवता प्रकट हो गए वे सभी शक्तिशाली थे और उन्होंने सोम अर्थात चंद्र से शक्ति प्राप्त की गई थी तो यजुर्वेद के मंत्रों के उच्चारण से अग्नि में आहुति डालकर भृगु मुनि ने वहां पर हजारों देवता उत्पन्न कर लिए उनको रिभु कहा गया है रिभु तो मुनि जैसे ब्राह्मण शक्तिशाली ब्राह्मण ऐसे शक्तिमान देवताओं को मनुष्य शक्तिमान देवताओं को मनुष्य रूप में जो विभूतियां हैं वो शक्तिमान देवताओं को उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखते हैं कलयुग के लिए सबसे सामर्थ्यशाली मंत्र कहा गया है हरे नाम हरे नाम हरे नामे नास्ते व केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा श्री प्रभुपाद कहते हैं इस कलयुग में भगवान चैतन्य ने केवल हरे कृष्ण के कीर्तन द्वारा सभी सब सिद्धियों की प्राप्ति संभव बदल है तो अंतिम श्लोक है इस अध्याय का श्लोक संख्या चौतीस तेरलाता युधे सर्वे प्रमथा सह गुहियका हन्यमानादि शोभेजू ऋषद्भिः ब्रह्म तेजस जब ऋभु देवता ने भूतों तथा गोहयकों पर यज्ञ की अधजली समिधाओं से आक्रमण कर दिया तो सती के सारे अनुचर विभिन्न दिशाओं में भागकर अदृश्य हो गए यह ब्रह्म तेज अर्थात ब्राह्मण शक्ति के कारण ही संभव हो सका तो अब अगला जो अध्याय आएगा वो बहुत ही अः विध्वंसक अध्यायों में कहा जाता है क्योंकि अनेकों प्रकार की वहां पर जब व्यक्ति जब धर्म नहीं होता है केंद्र में तब क्या क्या हो सकता है उसका वहां पर वर्णन किया गया है तो यहां पर जब रिभु देवता द्वारा इस प्रकार माता सती के अनुचरों के लिए माता सती के अनुचरों के प्राण हरण करने के लिए इस प्रकार से प्रयास किया गया तब उन्होंने क्या किया उन्होंने अपने आप को विभिन्न दिशाओं में अदृश्य कर लिया तो ये जो पूरा कार्यक्रम है ये अगले अध्याय में अब यहाँ से आगे बढ़ेगा अध्याय पांच में जिसका नाम है दक्ष के यज्ञ का विध्वंस तो अगले सत्र में हम लोग प्रयास करेंगे इस अध्याय का श्रवण करने का दक्ष के यज्ञ का विध्वंस पूरे अध्याय का नाम ही विध्वंस है छब्बीस श्लोकों में पूरे विध्वंस का वर्णन किया गया है तो आज के लिए इस सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे शिल प्रभुपाद की जय शिल गुरुदेव की जय अनंत कोटी वैष्णववृंद की जय चय भागवतम महापुराण की जय